नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेट टू पॉलिटेक्निक पर। साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बतलाने वाला हूँ कि आपका कितना से कितना सब्जेक्ट में कैरी लगा हुआ हो तो आप सेकेंड सेमेस्टर में जा सकते हैं, या फिर आपका किस सेमेस्टर में है, फोर्थ में मान लीजिए आप है, सिक्स सेमेस्टर में है, तो आपका कौन सा रोल है, कितना मैक्सिमम सब्जेक्ट में कैरी होना चाहिए ताकि आप लोग फोर्थ का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सके, सिक्स का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सके, या फिर हम थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को बाद में देखेंगे। तो जो ये SBT बिहार द्वारा जो सेमेस्टर में एग्ज़ाम आप इन सेमेस्टर का कब दे सकते हैं उसका सारा रोल हम लोग देखेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये जो रिजल्ट आया है उसमें प्रमोटेड लिखा हुआ का मतलब क्या होता है, फेल कब होंगे आप, ये सभी कुछ जानेंगे। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथियों, आप सभी देखिए, ये आपका रिजल्ट है जो कि अभी भी ही आपके अप्रैल में 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका आया हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको रिजल्ट देखने आना चाहिए। रिजल्ट क्या है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स 2 देखिए, मैथमेटिक्स 2 का एग्ज़ाम दिया गया था जिसमें कि यहाँ पे आपका फाइनल मार्क्स जो दिख रहा है ए वाला, ए आपका असली मार्क्स आया है 70 में से मात्र 18 नंबर आया है। और पासिंग होने के लिए कितना था मैथमेटिक्स 2 में या फिर सभी सब्जेक्ट में, तो आपको कम से कम 28 नंबर लाने थे पास होने के लिए। यहाँ पे कितना आ रहा है मैथमेटिक्स 2 में, 18, तो इस विषय में ये फेल हो गए हैं, या फिर आप कह ले तो मैथमेटिक्स 2 में इनका कैरी लग गया है। ठीक है, कैरी लग गया है। उसी प्रकार से और सब्जेक्ट देखिए, अप्लाइड फिजिक्स 2 देखिए, यहाँ पे कितना है पासिंग मार्क्स चाहिए, 28 चाहिए, इनका फाइनल मार्क्स कितना आया है 70 में से, जो कि आया है 25 नंबर, तो इसमें भी ये फेल हो गया, यानी कि कैरी लग गया, इसमें भी कैरी लग गया। अब साथियों देखा जाए तो क्या है, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, इसमें आया है 46 मार्क्स जो कि पास है, ठीक है, बिल्कुल पास है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें आया है मात्र 30 नंबर, फिर भी 28 से 2 ज़्यादा है, इसमें भी ये पास है। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यहाँ पे तो केवल और केवल 11 नंबर आया है, यानी कि इसमें भी ये फेल है या फिर कह ले तो कैरी लगा हुआ है। तो आप सभी कहिएगा कि यहाँ पे कुल कितने फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में कैरी लग गया, तो कुल 3 सब्जेक्टों में कैरी लग गया। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अब रूल बदला है बिहार पॉलिटेक्निक या फिर SBT बिहार ने रूल बदल दिया है। अगर पुराने रूल के अनुसार यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में कैरी लगता तो यहाँ पे प्रमोटेड के जगह पे फेल लिखा हुआ रहता, इन्हें फिर से फर्स्ट सेमेस्टर के 5 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम देना पड़ता। लेकिन चूंकि अब SBT ने रूल बदला है, उस अनुसार से आपका 3 सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि आपका अगर 5 सब्जेक्ट में भी आप फेल होते हैं, आपका 5 सब्जेक्ट में भी आपका कैरी लगता है, तो भी आप क्या होंगे, तो भी आप प्रमोटेड हो जाएंगे, आप अगले सेमेस्टर में आपका नामांकन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए आपका 5 सब्जेक्ट्स में ही आपने क्यों ना क्यों फेल हो गए हो, कैरी लग गया हो, तो भी आपने घबराना नहीं है, आप सेकेंड सेमेस्टर में तो चले जाइएगा। बट जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा तो उसका क्या रूल है वो मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा तो आपको उसमें कम से कम 3 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट में आपका कैरी लग गया, सेकेंड में आपका 2 सब्जेक्ट में कैरी लग गया, ठीक है, तो कुल मिला के अगर 7 सब्जेक्टों में, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कम है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट में कैरी है, तो आप क्या हो जाइएगा, आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाइएगा। अगर फर्स्ट और सेकेंड को मिला करके आपका 7 सब्जेक्ट तक कैरी लगा हुआ है तो भी आपका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। तो ये दूसरा रूल भी आपने समझ लिया है कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं तो अधिकतम 7 सब्जेक्टों तक भी आपका फेल रहिएगा तो भी आप थर्ड सेमेस्टर में
चले जाएंगे, बहुत बड़ी बात, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका क्या हो गया, एडमिशन हो गया है, थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है। तो फोर्थ सेमेस्टर का क्या है क्राइटेरिया, थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है, तो चलिए हम लोग थर्ड सेमेस्टर का क्राइटेरिया देख लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर में क्या है क्राइटेरिया, तो ये आपका है कि थर्ड में आपका एडमिशन हो चुका है, यहाँ पे देखिए आपको थर्ड सेमेस्टर में एलिजिबिलिटी जो है वो आपका क्या है कि आप तभी भाग ले सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जब आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में ही क्या होने चाहिए, तो आपको फेल होने चाहिए। 3 सब्जेक्ट में ही अगर आपका कैरी लगा हुआ है, 3 सब्जेक्ट में आपका कैरी लगा हुआ है, तब आप लोग थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन आपका कब होगा, जब आपका मैक्सिमम 7 सब्जेक्टों तक कैरी लगा हुआ हो, लेकिन 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 यहाँ पे बताया गया है कि थर्ड सेमेस्टर में आप तभी भाग ले सकते हैं उसके एग्ज़ाम में जब आपका कैरी लगा हुआ हो 3 सब्जेक्ट में, या फिर आप अब्सेंट ही क्यों ना रहे, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला करके आपका 3 ही सब्जेक्ट में मैक्सिमम कैरी होना चाहिए, तो आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो इससे क्या पता चला, इससे पता ये तो चला कि आप थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन तो हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होता है फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आप भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका ये जो कैरी लगा हुआ है 7 सब्जेक्ट को, उसको पास उसमें कम से कम आपको 4 में और पास होने ही पड़ेंगे, 4ों में आप पास होइएगा तो ही आप थर्ड के एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरने दिया जाएगा और आप यहाँ पे थर्ड का एग्ज़ाम दे पाइएगा। तो ये रहा थर्ड सेमेस्टर का क्राइटेरिया। यहाँ पे भी देख लीजिए कि बोला गया है कि थर्ड सेमेस्टर में अगर कोई व्यक्ति का 2 से ज़्यादा यानी कि 3 सब्जेक्ट में क्या लग गया हो, 3 सब्जेक्ट में अगर थर्ड में 3 सब्जेक्ट में अगर आप थर्ड सेमेस्टर में फेल कर जाते हैं, जैसे थर्ड सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दिए सिविल इंजीनियरिंग का है, ठीक है, आपका अगर 3 सब्जेक्ट में क्या हो गया, आप थर्ड को ही केवल पकड़ा जाए, तो आपका 3 सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट आया तो पता चला कि आप पासिंग मार्क्स नहीं लाए हैं, तो आप फेल हो जाइएगा। मतलब एक सेमेस्टर में थर्ड के फर्स्ट तक तो आपका 5ों सेमेस्टर में कैरी लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन जैसे ही आप थर्ड में जाइएगा वहाँ 2 तक कैरी चलेगा, जैसे ही 3 हुआ तो आप क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा, आपको थर्ड का एग्ज़ाम फिर से देना होगा। वही बात करें फोर्थ सेमेस्टर का क्राइटेरिया, तो फोर्थ का क्या है, फोर्थ का क्राइटेरिया ये है कि आप क्या होने चाहिए, फोर्थ का एग्जामिनेशन आप तभी दे सकते हैं जब आपका मैक्सिमम 2 सब्जेक्टों में क्या होने चाहिए, कैरी लगा होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ही कैरी होना चाहिए थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, थर्ड में 2 विषय में आपका कैरी है तो भी आप फोर्थ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और तो और आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में कितना 3 सब्जेक्ट में अगर कैरी लगा हुआ है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट में अगर कैरी रहे तो भी आप फोर्थ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथियों यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि अधिकतम 5, आप सब में पास है तब तो ये वीडियो देखने का आपका कोई अर्थ ही नहीं बनता है, ठीक है, सब में पास हो रहे हैं तब तो आपको कोई नहीं रोक टोक करेगा, आप लोग 6 सेमेस्टर तक पास हो जाइएगा। ये मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट कैरी का, जो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट तक भी आपका कैरी रहा तो आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और फोर्थ का देखिए, तो ये फोर्थ का क्या हुआ, आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, लेकिन जब फोर्थ का रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, तो आपका फोर्थ में भी अगर 2 विषय में कैरी लग गया, 2 विषय में कैरी लग गया, 2 विषय में आप पासिंग मार्क्स से अधिक नहीं ला पाए हैं तो ठीक है, आप फिफ्थ में आपका एडमिशन हो जाएगा,
लेकिन वही फोर्थ सेमेस्टर में आपका पुनः अगर तीन सब्जेक्ट में कैरी लग जाता है तो आप फेल डिक्लेयर कर जाइएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर तक तो चलेगा, आप पांचों सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो भी आप पास प्रमोटेड हो जाइएगा, लेकिन जैसे ही आप थर्ड में जाइएगा, फोर्थ में जाइएगा, फिफ्थ में जाइएगा, तो आपका इस स्पेसिफिकेशन सेमेस्टर, इस वाले थर्ड सेमेस्टर में अधिकतम दो में लगा रहना चाहिए, इस वाले में फोर्थ सेमेस्टर के दो सब्जेक्ट में ही होना चाहिए, फिफ्थ में भी दो में ही रहना चाहिए, और जैसे ही तीसरा फिफ्थ के पांचों सब्जेक्टों में तीन में आप फेल हुए तो आप फेल डिक्लेयर कर जाइएगा, आपको फिफ्थ का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे साथियों। तो ये हम लोग फोर्थ सेमेस्टर तक देख चुके हैं। फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आप तब दे सकते हैं जब आप फोर्थ के दो सब्जेक्ट में आपका मैक्सिमम कैरी होना चाहिए या फिर आप अब्सेंट ही क्यों ना हो। और तो और आपको एक और छूट दिया गया है कि आपको क्या है, थर्ड और फोर्थ उसमें आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका साथियों, यहाँ पे देखिए आपका बात चल रहा है कि फोर्थ सेमेस्टर में आप कब एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो बात यह है कि आपका दो सब्जेक्टों में कैरी रहना चाहिए थर्ड और फोर्थ को मिला करके, थर्ड और फोर्थ दोनों को मिला करके आपका दो ही सब्जेक्ट में क्या रहना चाहिए, कैरी रहना चाहिए। तीसरा में आपका कैरी हुआ तो फिफ्थ का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं, और साथ ही साथ फिफ्थ के एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, जो आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर था वो टोटली कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट ईयर से आप लोग जब थर्ड ईयर में जाइएगा तो यहाँ तक सेकेंड ईयर तक आपको छूट मिलेगा कि आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर को निकाल लो। अगर आप थर्ड ईयर में जाते हैं यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में प्रवेश करते हैं तो इस वाले फर्स्ट ईयर का जितना भी सेमेस्टर था फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट में कैरी लगल नहीं रहना चाहिए। थर्ड में आप प्रवेश करते हैं तो आपका फर्स्ट वाला टोटली क्लियर होना चाहिए, अन्यथा फिर फिफ्थ का एग्ज़ाम आपको भरने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये फिफ्थ का एग्ज़ाम कैसे कब भर सकते हैं या फिर दे सकते हैं उसके बारे में बात हुआ साथियों। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, अब मान लीजिए आपने फिफ्थ का एग्ज़ाम दे दिया, फिफ्थ में आपका रिजल्ट आया, अब रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया आपका दो विषय में कैरी लग गया, तब आप क्या हो सकते हैं, सिक्स सेमेस्टर में जा सकते हैं, सिक्स सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तीन विषय में आपका कैरी लगा आप पुनः फिफ्थ सेमेस्टर में ही लटक जाइएगा, रह जाइएगा। तो फिर से वही बात है कि आपका क्या होना चाहिए, दो फिफ्थ का रिजल्ट आया तो आप दो विषय में अधिकतम आप कैरी लगवा लीजिएगा तो भी आपका सिक्स सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा साथियों। अब फिर से बात वही है कि ये नहीं कि दो विषय में आपको कैरी लगवाना ही है, आप अगर पास हो जा रहे हैं तब तो आपको सिक्स सेमेस्टर में कोई रोक टोक करेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं अधिकतम का बात कर रहा हूँ। अब सिक्स सेमेस्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है साथियों, उसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आप तभी भाग ले सकते हैं जब आपका मैक्सिमम दो सब्जेक्ट में फेल या कैरी रहना चाहिए, दो सब्जेक्ट में आपका कैरी रहना चाहिए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों को मिला करके, ठीक है। मान लीजिए अगर थर्ड में आपका एक विषय में कैरी लगा हुआ है और फिफ्थ में भी एक विषय में कैरी लगा है तो आप सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मान लीजिए थर्ड में भी एक में कैरी लगाओ, फोर्थ में भी एक में कैरी लगाओ, फिफ्थ में भी एक में कैरी आपका लटका हुआ है, तो आपके तीन सब्जेक्ट हो गए, तब आप सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं। और साथियों, ये तो एग्ज़ाम देने का बात हो गया, अब मान लीजिए आपका सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, अब इसमें आपका एक सब्जेक्ट में क्या हो गया, कैरी लग गया, तो अब इस बार आपका एक कैरी नहीं बोला जाएगा, आप फेल हो गए,
आप फेल हो गए। सिक्स सेमेस्टर का खतरनाक रूल ये देख लीजिए, यहाँ पे आप एक भी सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आता है तो आप फेल हो जाइएगा और तब आपको सिक्स सेमेस्टर का पूरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पूरा एग्ज़ाम देने का मतलब पांचों सब्जेक्टों का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो सिक्स सेमेस्टर बहुत ही खतरनाक है, इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके निकाल ले, वरना फिर से आपका पांचों सब्जेक्टों में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी तक आपका जो भी सब्जेक्ट में कैरी लगता था तो आप अगले सेमेस्टर में दे सकते थे और केवल वही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता था, लेकिन सिक्स सेमेस्टर में आपका कोई भी सब्जेक्ट एक में भी क्यों ना लगा हो, आपको छओ सिक्स सेमेस्टर के पांचों सब्जेक्टों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो फेल क्या होता है, कैरी क्या होता है, न्यू रूल एसबीटी बिहार का क्या होता है, सब मैंने आपको बता दिया हूँ इस वीडियो को। हो सके तो आप लोग थोड़ा थोड़ा रोक करके देखिए और ज़्यादा नहीं देखिए, ठीक है। ज़्यादा देखिएगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, इसलिए जो सेमेस्टर का मैं बात कर रहा हूँ बस उतना को ही रोकिए, उतना ही देखिए, आप लोग समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद।